स्किज़ोफ्रेनिया एक काफ़ी गंभीर मानसिक बीमारी है और काफ़ी सीरियस भी है। इसमें जैसे हम जानते हैं काफ़ी सीरियस साइकेट्रिक सिम्टम्स होता है, जिसमें से डिल्यूशंस और हलुसिनेशंस होंगे और काफ़ी कुछ नेगेटिव और कॉग्निटिव सिम्टम्स भी होंगे। डिल्यूशंस का मतलब ये होता है कि लोगों को काफ़ी कुछ गलत सोचे होते हैं जिसके ऊपर वो काफ़ी भरोसा रखता है। ऑडिटरी और विजुअल दोनों हलुसिनेशंस होता है। ऑडिटरी हलुसिनेशंस का मतलब ये है कि पेशेंट्स को काफ़ी कुछ सुनाई देता है और जो आवाज़ें सुनाई देता है वो काफ़ी डरावनी होता है और उसके काफ़ी कुछ बुरे असर होता है। उसी के कारण स्किज़ोफ्रेनिया भी काफ़ी कुछ सीरियस बन जाता है। कुछ साल बाद स्किज़ोफ्रेनिया में काफ़ी कुछ नेगेटिव सिम्टम्स, मतलब पेशेंट को कुछ करने का मोटिवेशन नहीं रहता है, पेशेंट का कुछ ड्राइव नहीं रहता है, हर दिन सुबह उठते ही सुबह में क्या करना है और मुझे आगे में क्या बनना है, ऐसे कुछ सोचे भी नहीं रहते हैं। और ये भी काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट रोग का लक्षण है। स्किज़ोफ्रेनिया के दो पीक होता है, एक होंगे 15 से 25 साल तक और एक होंगे 35 से 45 तक। अगर 15 से जो 25 साल के बच्चों को जो होता है उनके जो परफॉर्मेंस है उसमें सडन डिक्लेन होंगे, उनके जो पढ़ाई में जो इंटरेस्ट है वो अचानक कम हो जाएगा, तो उसी टाइम काफ़ी कुछ अजीब सा रोग के लक्षण भी आ जाएंगे। तो जितना जल्दी होगा उतना जल्दी उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास ट्रीटमेंट लेके जाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 35 ईयर्स से 45 ईयर्स तक जो स्किज़ोफ्रेनिया जो बाहर निकलता है वो मेजर लाइफ स्ट्रेसर से बाहर निकलने वाला स्किज़ोफ्रेनिया है। जैसे आदमी को काफ़ी कुछ फाइनेंशियल लॉस हो या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हो या उनके अनएम्प्लॉयमेंट हो या मेजर कुछ भी मेजर लाइफ स्ट्रेसर इवेंट्स जो होता है उसके मुताबिक से स्किज़ोफ्रेनिया बाहर आना लगता है। जो स्किज़ोफ्रेनिया 35 से 45 तक निकलता है वो ठीक होने का संभावना भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ये जो स्किज़ोफ्रेनिया है इसके पहले जो 6 महीने या 1 साल तक पूरे जो हम सिम्टम्स बता रहे थे जैसे डिल्यूशंस हलुसिनेशंस वैसे कुछ नहीं होता है। स्किज़ोफ्रेनिया में एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ड्यूरेशन ऑफ अनट्रीटेड साइकोसिस, यानी मतलब जो मरीज स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार बनता है उन्हें काफ़ी जल्दी ट्रीटमेंट दिलाना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितना जल्दी आप स्किज़ोफ्रेनिया के रोग लक्षण देखने लगते हैं उतना जल्दी डॉक्टर के पास लेके जाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो जो टाइम जितना ज़्यादा होता है और बीमारी की तीव्रता भी उतना ही ज़्यादा होने लगता है। फैमिली का क्या रोल है स्किज़ोफ्रेनिया में? फैमिली का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल बनता है। स्किज़ोफ्रेनिया में एक और कॉन्सेप्ट है कि जिसे हम एक्सप्रेस्ड इमोशंस कहते हैं। जो मरीज स्किज़ोफ्रेनिया के शिकार होता है उनके हम पहले से बोल रहे थे कि उन्हें इनसाइट काफ़ी कम रहता है, मतलब उन्हें उनके खुद के बीमारी के बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं है। ऐसे मरीज के ऊपर गुस्सा करना या उसे ठीक से नहीं देखना और उसे काफ़ी स्टिग्मा से देखना काफ़ी बुरे चीज़ है। ऐसे नेगेटिव एक्सप्रेस्ड इमोशन से आदमी का जो बीमारी है वो भी बिगड़ सकता है और उनके इम्प्रूव होने का चांसेस भी काफ़ी कम हो सकता है। तो पॉजिटिव एक्सप्रेस्ड इमोशंस यानी पॉजिटिव रिगार्ड और वार्म्थ रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपका ये इम्पोर्टेंट लक्ष्य होना है कि पेशेंट को इंडिपेंडेंट बनाना है। स्किज़ोफ्रेनिया हम बता रहे थे कि काफ़ी लंबी बीमारी है, तो इसमें फैमिली का रोल भी काफ़ी ज़्यादा होता है और फैमिली के ऊपर जो बुरा असर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इससे फैमिली मेंबर्स में भी काफ़ी कुछ उदासी होना या घबराहट होना काफ़ी कॉमनली एक्सपेक्टेड सिम्टम होंगे। तो इसी के लिए खुद के मानसिक संतुलन को ठीक से रखने के लिए फैमिली मेंबर्स को उनके खुद के मानसिक स्थिति जो है उसका ख्याल रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके लिए ठीक से एक्सरसाइज करना, उनके खुद का देखभाल करना, या जब भी उन्हें काफ़ी कुछ बर्नआउट महसूस होता है तभी साइकेट्रिस्ट के पास हेल्प लेना या स्किज़ोफ्रेनिया सपोर्ट ग्रुप्स जो होता है, जो स्किज़ोफ्रेनिया मरीज जो होता है उनके फैमिली लोग जो बनाए होते हैं उनके साथ बात करना, उनके साथ क्या हो रहा है
वो उससे बाहर आने के लिए क्या कुछ कर रहा है, वो सब जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्किज़ोफ्रेनिया के लिए काफ़ी कुछ अच्छे ट्रीटमेंट है, काफ़ी कुछ सपोर्टिव थेरेपीज है, और यू नो ये थेरेपीज या ट्रीटमेंट जो है वो सिर्फ पेशेंट के लिए ही नहीं है, पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स के लिए भी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हर एक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को ये बीमारी के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी लेना है और इसे कैसे हैंडल करना है ये सब सीखने का काफ़ी इम्पोर्टेंट ज़रूरत है।